टॉपिक में प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल जो कि 319 से 476 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे वही तथ्य देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ, इसका निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो निर्माण किसने करवाया था? महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह एक जंगरोधी है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल धातु विज्ञान में बहुत ही उन्नत था। यह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। तो महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह एक जंगरोधी है। आगे देखते हैं गुप्त काल के कुछ प्रमुख राजाओं का क्रम। तो सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल था 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं या विक्रमादित्य की पदवी इन्होंने धारण की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। 375 से 414 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। एक टॉपिक ये है कि लिच्छवी दोहित्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, लिच्छवी दोहित्री के नाम से किसको हम जानते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजा की कन्या से विवाह किया था और उसी से कौन? समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इसीलिए हम समुद्रगुप्त को दोहित्री कहते हैं। दोहित्री का मतलब होता है पुत्री का पुत्र यानी नाती, ठीक है। इसलिए हम समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री कहते हैं। यह जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो यह जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयाग अभिलेख से पता चलती है। प्रयाग अभिलेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल के सिक्कों से पता चलता है कि गुप्त राजा संगीत प्रिय थे। यानी गुप्त राजा क्या थे? संगीत प्रिय थे, क्योंकि उनके सिक्कों पे हमें क्या दिखता है? वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। जितने भी सिक्के बनाए गए हैं गुप्त काल में, उसमें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के जो राजा थे वो संगीत प्रिय थे। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। यानी समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़ता है वो सभी युद्धों का विजेता होता है, सभी युद्धों में जीतता है। इसी कारण हम समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे हम देखेंगे, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। इन सोने के सिक्कों को हम दीनार कहा जाता। तो क्वेश्चन बनता है कि दीनार किसको कहा जाता है, या गुप्त काल में हम दीनार किसको बोलते थे? तो गुप्त काल में दीनार, हम सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे। मेघदूत, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास। अजंता की गुफाओं के बारे में देखते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसके काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। किस काल में, ठीक है। तो इसका निर्माण यानी कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। इसका निर्माण दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुआ था तथा सातवीं शताब्दी तक चला था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में देखते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित है। समुद्रगुप्त यानी कि लक्ष्मी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई हैं। इस स्तंभ पर लिखने का जो कार्य है किसने किया है? हरिशेर ने किया था और इसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। नालंदा महाविहार के बारे में देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नालंदा महाविहार निर्माण कार्य निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा महावीर विहार का निर्माण किसने करवाया? कुमार गुप्त ने कराया था। भारत में हूर ने आक्रमण किया कब? 458 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी में। 458 ईस्वी में हूरों ने आक्रमण किया था भारत पर। गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य को हम भारत की स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये इतना हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे कि गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, रुपयक कहा जाता था। रुपयक किसको हम कहते थे?
ठीक है, तो जो चांदी के सिक्के थे उनको हम रुपयोग कहते थे गुप्त काल में, और जो सोने के सिक्के थे उसको क्या बोलते थे, दीनार। दीनार और रुपयोग चलते थे गुप्त काल में। हूणों ने जब रोम पर आक्रमण किया तो रोम का व्यापार भारत से बंद हो गया था। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे, तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए जिनको हम बोलते थे दीनार। चंद्रगुप्त के शासनकाल में फायान भारत आया था जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आता है, फायान भारत आया था जो कि चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन आता है, फायान भारत आया था जो कि एक चीनी यात्री था। अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का महान शासक था, और इसके पास नौ रत्न थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, और एक अकबर, इन्हीं दोनों के पास क्या होते हैं, नौ रत्न होते हैं इनके राज्य में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नौ रत्न कौन कौन से थे, इसमें है हरिषेण, ये कवि थे, वाराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे या खगोल विज्ञान के थे साइंटिस्ट, वररुचि ये व्याकरणविद थे, धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, कालिदास ये नाटक काव्य थे, ठीक है, वेताल भट्ट ये जादूगर थे, छपड़क, छपड़क क्या थे, ज्योतिष विज्ञानी थे, अमर सिंह शब्दकोश रचना थे, और शंकु क्या थे, शिल्पकार थे। तो ये नौ रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। यहाँ पे हम लोगों ने वो सारे तथ्य देखे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि गुप्त काल से प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है जितने भी आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, जो कि परीक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको पूरा लर्न करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।